कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। हीरानगर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी जोरदार उम्मीदवारी पेश की है, जिसमें सभी 13 वार्डों से कांग्रेस के उम्मीदवार उतरे हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों ने पूर्व एमएलसी सुभाष गुप्ता, गिरधारी लाल चलोत्रा, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और युवाओं के साथ पूरे लाभ लश्कर में नॉमिनेशन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अपनी खो चुकी जमीन को राहुल गांधी की अगुवाई में फिर से हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में डिस्ट्रिक्ट कठुआ कांग्रेस डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के नेतृत्व में कठुआ, हीरानगर, बिलावर, बसोली की म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन जीतना चाहती है। इतना ही नहीं, इस बार तो बड़े नेताओं के बेटे भी मैदान में हैं। अगर बात करें हीरानगर के वार्ड नंबर 8 की, तो यहां पर पूर्व एमएलसी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस सुभाष गुप्ता के सुपुत्र एडवोकेट राजीव गुप्ता मैदान में हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस अब जीतने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, सुभाष गुप्ता और गिरधारी लाल चलोत्रा की टिकड़ी इस बार डिस्ट्रिक्ट कठुआ और खासकर हीरानगर में जरूर कमाल दिखाएगी। हीरानगर से सुनीत कुमार की रिपोर्ट।